एंड आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं चौड़ी लेस डिज़ाइन लाई हूँ, वो बहुत ही सुंदर है देखने में। देखिए तो आप इसे प्लाजो में लगाएंगी तो बहुत ही प्यारी लगेगी, या बाजू में लगाएंगी तब भी बहुत ही सुंदर लगने वाली है। तो इसको बनाना भी बहुत ही ईजी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने धागे से बना रखी है, वाइट धागे से, तो मैं धागे से ही बनाकर आपको दिखाऊंगी। ये मैंने ऑरेंज धागा ले रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। तो हमने 34 चेन बनानी है, तो सबसे पहले हम 34 चेन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस तरह से हम 34 चेनें बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने 34 चेन बना ली। तो अब 6 चेन हम यहाँ से छोड़कर, देखिए 6 चेन छोड़कर हम जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 चेन छोड़ने के बाद यहाँ इसे जोड़ देना है इस तरह से, और फिर सारी चेनों में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनेंगे इस तरह से। हर चेन में एक बार कि हर चेन में एक बार हमें बुनते जाना है। तो ये हम सारी चेनों में बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने ये सारी चेनों में सिंगल क्रोशिया बुन ली यहाँ तक। अब मैं 4 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4। 4 चैन बनाने के बाद हम इसे इस तरह पलट लेते हैं और फिर हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए यहाँ से इसमें नहीं बुनेंगे, यहाँ से। देखिए तो ये 4 चैनों में बनाएंगे हम एक एक बार, 2 3, और ये जो लास्ट की है इसको भी हम गिनेंगे साथ में। तो ये हो गई 4। तो देखिए इस तरह से इसको भी गिनेंगे, ये जो चैन बनाई है, और 3 बार हमने डबल क्रोशिया बुन ली। अब हम एक चैन बनाएंगे इस तरह से, और फिर 4 चैन छोड़कर 5वीं चैन में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4, ये 4 छोड़कर यहाँ बुनेंगे। तो यहाँ हम डबल क्रोशिया बुनेंगे 4 बार एक ही चैन में। देखिए 2 बार हो गई, 3 4, फिर एक चैन बनाएंगे और फिर से हम उसी तरीके से बुनेंगे। देखिए 4 चैन छोड़ेंगे, 1 2 3 4, और फिर इस वाली में डबल क्रोशिया बुनेंगे 5वीं चैन में 4 बार। तो ये हम 4 बार बुनेंगे इसमें। फिर एक चैन फिर से बुनना है, इसमें भी हम 4 बार बुनेंगे।
ये चैन। तो इस तरह हम ये चार बनाएंगे। ये देखिए तीन बन गई, एक दो तीन चार, और इस वाले में बुनेंगे। फिर एक चैन बनाएंगे। तो ये चार हो गई, एक दो तीन चार। एक चैन बनाने के बाद इस होल में बुनेंगे हम डबल क्रोशिया। तो इसमें हम ये डबल क्रोशिया 16 बार बुनेंगे। इस तरह से 16 बार इसी होल से हम बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने 16 बार बुन लिया इसे। अब ये जो बनाए हैं हमने, इस तरफ बनाएंगे। तो एक चैन बनाएंगे हम पहले, फिर ये देखिए यहाँ पर बुनेंगे सेम इसी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, सेम इसी तरह से हमें डबल क्रोशिया इनके यहाँ बुनना है। ये देखिए यहाँ तक बुनेंगे हम एक चैन बनाते हुए। तो बुन लेते हैं तभी। तो ये देखिए सेम इस तरफ भी मैंने ये बना लिए। तो यहाँ मैंने एक चैन बना ली है। तो अब मैं यहाँ से चार बार डबल क्रोशिया बुनूंगी। ये देखिए एक एक चैन में। और फिर यहाँ जो हमने बनाई थी इसमें डालकर बनाऊंगी इस तरह से। फिर हम एक चैन बनाएंगे और इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद सिंगल क्रोशिया बुनेंगे यहाँ से चार बार हर चैन में। फिर आठ चैने बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। आठ चैने बनाने के बाद यहाँ जोड़ेंगे, फिर आठ चैने, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर से जोड़ेंगे यहाँ। तो इन दोनों में भी इस तरह तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। देखिए इस तरह हमने बना ली। हम दो चैनों में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से, एक दो, फिर तीन चैन, एक दो तीन, और फिर यहाँ डालते हुए इस तरह से बुनेंगे। फिर दो चैनों में हम इस तरह बुनेंगे सिंगल क्रोशिया, और फिर तीन चैन इस तरह से। तो ये बनाते चले जाएंगे, ये सात कोने बनेंगे। ये
तो देखिए एक बार और बनाएंगे तो ये सात हो जाएंगे, और फिर दो चैने बनी इनमें से हम बुन लेते हैं इस तरह। तो ये इस तरह बन जाएगा। फिर हम सेम इसी तरह से आठ आठ चैने बनाकर जोड़ देते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ यहाँ। तो सेम इसी तरह से यहाँ ले आते हैं बनाते हुए। तो देखिए चेन बनाते हुए मैंने इधर ले आई हूँ। अब यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे चार बार, हर चैन में एक बार। तो फिर ये जो चैन बनाते हैं एक बार इसमें से निकाल, फिर हम चार चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार। इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद हम डबल क्रोशिया बुनेंगे तीन बार, दो तीन। फिर हम एक चैन बनाएंगे और पलट लेते हैं, और फिर हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे उसी तरीके से चार बार, एक बार हम यहां से बुनेंगे। फिर हम चार चैन बनाएंगे और इसे पलटते हुए डबल क्रोशिया तीन बार, हर चैन में एक बार। और एक चैन सेम रिपीट करेंगे फिर से। तो ये जो मुझे डबल क्रोशिया तीन बार बुनना है, तो अभी इधर से सिंगल क्रोशिया बुनकर फिर उधर से रहा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये डबल क्रोशिया तीन बार बुन लिया है घुमाते हुए। देखिए एक दो तीन, तो इस तरह से हमें बुन लेना है दो बार, ये पलट कर सिंगल और ये डबल। तो अब हम बनाएंगे तीस चैन बनाएंगे। अब हम देखिए इस तरह से तीस चैन बना लेते हैं। तो ये मैंने तीस चैन बना ली, तो छः चैन छोड़कर पहले की तरह हमें जोड़ना है। तो हम ये चैन को सीधी तरफ से नहीं बुनेंगे, देखिए इस तरफ से उल्टी तरफ से बुनेंगे। इसे घुमा लेते हैं हम उल्टी तरफ से। तो देखिए ये जो है उल्टी तरफ से इधर से हम बुनेंगे। तो हम छह चैने गिनकर, देखिए एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छ। तो इस वाले में हमें इस तरह जोड़ देना है। छह चैन छोड़कर हमने इस तरह से बना लिया। तो अब हम सब में पहले की तरह सिंगल क्रोशिया बुन लेते हैं हर चैन में एक बार इस तरह से। तो हर चैन में एक बार बुनते ही हुए हम इधर ले आते हैं। तो ये देखिए मैंने ये सारी चैनों में सिंगल क्रोशिया बुन ली यहाँ तक।
तो अब इन चारों चैनों में भी बुन लेते हैं इस तरह से। फिर हम चार चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, और इसको घुमा लेते हैं फिर 3 बार, ये यानी 3 चैनों में डबल क्रोशिया सेम रिपीट करेंगे। तो सेम पहले की तरह जैसे कि मैंने यहाँ बनाया था उस तरह बनाना है हमें इसमें, 1 चैन और 5 चैन, 4 चैन छोड़कर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 पांचवें पे 4 बार डबल क्रोशिया जैसे हमने पहले बुनी थी सेम उसी ही तरह बुनेंगे इसे। इस तरह से तो यहाँ तक ले आते हैं हम इसे बनाकर जैसे हमने इसमें बनाई थी। तो देखिए सेम मैंने इस तरह बना लिया यहाँ तक, और इस होल में जैसे पहले मैंने 16 बार बुना था डबल क्रोशिया को उसी तरह बुनना है। देखिए डबल क्रोशिया 16 बार इस होल में हम बुन लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ 16 बार इसको बुन लिया। तो अब एक चैन बनाकर और सेम इसी तरह हम ये बुनते हुए इधर ले आते हैं। देखिए सेम इसी तरह से हम तो इस तरफ ले आते हैं बुनते हुए। तो देखिए फ्रेंड मैं इधर तक ले आई इसे इस तरह बुनकर। तो अब ये देखिए यहाँ हमें जोड़ना है इसको यहाँ पर, इस तरह हम यहाँ इसे जोड़ देते हैं। तो अब हम 4 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। 4 चैन बनाने के बाद इस वाली चैन में जो हमने पहले बनाई थी इस तरह जोड़ेंगे, और फिर 4 चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पर इस तरह जोड़ेंगे 4 चैन यहाँ, फिर 4 चैन फिर यहाँ। चार चैन फिर दूसरे वाले हिस्से में यहाँ, फिर 4 चैन फिर इस वाले हिस्से में यहाँ। तो ये लेस जुड़ जाएगी फिर यहाँ से। फिर 4 चैन फिर यहाँ आकर हम पहले की तरह ही बुनेंगे 2 चैनों में सिंगल क्रोशिया और फिर 3 चैन इस तरह से, फिर 2 चैनों में सिंगल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से हम जैसे ये बनाए थे उसी तरह हम बुनते चले जाएंगे। तो ये बनाकर तो देखिए मैंने इस तरह बुन लिया। अब मैं पहले की तरह 8 चैन बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
और इधर जोड़ते हुए हम उस तरफ चले जाएंगे। तो इसी तरह लेस को हम बनाते रहेंगे और आगे ये बनती चली जाएगी। तो इस तरह से हम इस तरफ आ जाएंगे। ये देखिए, और इधर आने के बाद पहले की तरह हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे इसमें चार बार। इस तरह से फिर घुमाते हुए बस देखिए इस तरह बन गई। तो ये बनती चली जाएगी। फिर से हमें ये रिपीट करना है तीन बार डबल क्रोशिया। अभी डबल क्रोशिया बुनेंगे फिर ऐसे घुमाते हुए पहले की तरह, फिर से हमें वही रिपीट करना पड़ेगा और इस तरह से ये बनेगी। ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है बनने के बाद। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले।